नशे का खात्मा करना है, ऐसी कड़ी को लेकर पद्दर में आजकल अभियान जोरों शोरों पर चल रहे हैं, जिसमें ऑनलाइन सभी स्कूलों के बच्चे, पुलिस विभाग, पद्दर प्रशासन, महिला मंडल, युवक मंडल, अन्य सभी संस्थाएं बढ़ चढ़ कर भाग ले रही हैं। उपमंडल पद्दर में 15 अगस्त से शुरू हुआ ये अभियान 31 मार्च 2021 तक संपन्न होगा। SDM पद्दर ने बताया कि सभी विभाग व संस्थाएं इसमें अपनी अपनी भागीदारी निभाएंगी। SDM शिव मोहन सिंह सैनी ने बताया कि नशा एक ऐसी बीमारी है जो हमारे सारे जीवन को नष्ट कर देती है। नशे की लत से पीड़ित व्यक्ति परिवार के साथ साथ समाज पर बोझ बनता है। युवा पीढ़ी सबसे ज़्यादा नशे से पीड़ित हो रही है। सरकार इन बातों को ध्यान में रख के नशे के चुंगल में फंसे इन युवकों को छुड़ाने के लिए नशा मुक्त अभियान भी चला रही है। शराब गुटखा पर रोक लगाने का प्रयास किया जा रहा है। नशे के रूप में लोग शराब, गांजा, ब्राउन शुगर, चिट्टा, कोकीन, स्मैक आदि मादक पदार्थों का भी प्रयोग करते हैं, जो स्वास्थ्य के साथ साथ सामाजिक और आर्थिक दोनों लिहाज से ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि नशे का आदि व्यक्ति समाज की दृष्टि से दूर हो जाता है और उसकी सामाजिक क्रियाशीलता शून्य हो जाती है। इससे सेवन से जन और धन दोनों का नुकसान होता है। उपमंडल अधिकारी ने बताया कि नशा मुक्त अभियान के तहत पद्दर में अभियान के तहत स्कूली बच्चों द्वारा अपने अपने घरों में ऑनलाइन भाषण प्रतियोगिता, नारा लेखन प्रतियोगिता और चित्रकला प्रतियोगिता में भाग लिया जा रहा है। पत्रिकाओं के माध्यम से नशा निवारण को लेकर अभियान भी जोरों शोरों पर चल रहा है। वहीं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, युवक मंडल, महिला मंडल द्वारा नशे के विरुद्ध रैलियां निकालकर लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। नशा मुक्त भारत अभियान की शुरुआत जो है वो 15 अगस्त से हम ये भारत सरकार के आदेशानुसार जो है वो इसको शुरू किया गया है और 31 मार्च 2021 तक जारी रहेगा। पूरा इसमें जो है रोस्टर बना हुआ है कि क्या क्या गतिविधियां इसके दौरान होनी है। मेरा स्वयं का जो है हमारे स्तर पर हमारे उपमंडल में अलग अलग जो हमारे वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल हैं उन सब में भाषण प्रतियोगिता, नारा लेखन प्रतियोगिता व पोस्टर पेंटिंग प्रतियोगिता जो है व कविताएं व गोष्ठियां इत्यादि आयोजित की जा रही है। व इसका मुख्य मकसद जो है कि आज के युवा को मुख्य धारा में वापस लाना है। आज नशा जो है वो परिवारों को तोड़ रहा है। नशे के कारण हमारी युवा पीढ़ी जो है वो अपनी प्रतिभाओं का को जो है पूरी तरह उजागर नहीं कर पा रही है। हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि हमारा युवा जो है वो नशे से बाहर आए। हमने इस नशे की लत ने कैसा ये हाल कर दिया, कितनों की जिंदगियां बर्बाद कर दिया, बिखेर दिए हंसते परिवारों को, खुशियों को हमारी गिरफ्त से आजाद कर दिया, माता पिता से दूर बच्चों का प्यार कर दिया, जन्मदाताओं के एहसानों का संहार कर दिया, खुशियां छीन कर इस जिंदगी की गमों के नाम कर दिया, इस नशे की लत ने कैसा ये हाल कर दिया। नमस्कार, मैं आकांक्षा, क्लास प्लस वन की छात्रा, आज नशे के ऊपर अपने विचार व्यक्त करने जा रही हूँ। नशा एक व्यक्ति के मस्तिष्क समारोह के साथ खिलवाड़ करता है। यह उस तरीके से हस्तक्षेप करता है जिस तरह से एक व्यक्ति व्यवहार करता है और जिस तरह के विकल्प बनाता है। एक व्यक्ति जो दवाओं के प्रभाव में है अत्यधिक आक्रामक हो सकता है। नशा करने वाले अक्सर छोटी छोटी बातों पर गुस्से में आ जाते हैं। यह व्यवहार केवल तब नहीं देखा जाता जब वे एक उच्च अनुभव कर रहे होते हैं ड्रग्स का।